हमारी ये प्रांतीय परिषद तीन चीजों को समर्पित है, तीन कामों को समर्पित है। इसमें पहला काम है आजादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में हम हरियाणा के उन तमाम अनाम वीरों को याद करना चाहते हैं जो जन प्रकाश में नहीं आ पाए थे। हमने अपने सभी मोर्चों को उसके निमित्त कार्यक्रम दिए हैं। हमारी पार्टी भी हर जिले में उस जिले के योगदान को लेकर संगोष्ठी और जो चित्रात्मक चीजें उपलब्ध होंगी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाने का काम भी 23 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपने अपने समय अनुकूल, जिसको जब उस बारे में जितना चीजें उपलब्ध होंगी उस हिसाब से हर जिले में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी तरह से हमने महिला मोर्चा को महिलाओं के योगदान के लिए, पिछड़े वर्ग को पिछड़े भाइयों के योगदान के लिए, अनुसूचित जाति मोर्चा को अनुसूचित जाति मोर्चे के योगदान के लिए, किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में जो योगदान रहा, 115 गांव तो जला दिए गए थे 1857 में, ऐसे सब गांवों में कार्यक्रम करने का आग्रह किया है। 7500 स्थानों पर 75-75 लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि ये 75वां साल है, इस कारण से हर गांव हर वार्ड एक तरह से इसमें आ जाएगा और एक निश्चित समय पर हम कौमी तराना, जो आजाद हिंद फौज का तराना था, और वंदे मातरम का गायन करेंगे। मैंने एक घोषणा भी की है कि जिन परिवारों से लोग काला पानी की जेल में गए थे उनके परिवार का कोई एक सदस्य अगर काला पानी की यात्रा करना चाहता है तो हम उसकी व्यवस्था में करेंगे, उसके सहयोगी बनेंगे। वो सब अपने उन बुजुर्गों को याद कर सकें जिन्होंने वहाँ असहनीय पीड़ाएं, क्योंकि वो जेल देखकर ध्यान में आता है कि कैसे कोहलू चलवाया जाता था, कैसे कोड़े लगाए जाते थे, उनको जाके उस भाव भावना को महसूस कर सके। त्रिदेव सम्मेलन इसका दूसरा हमारा हेतु है। त्रिदेव का गठन, त्रिदेव की कार्यशालाएं और त्रिदेव के माध्यम से हर बूथ तक पार्टी के संगठन को विचारधारा के आधार पर खड़ा करना, हमने ये काम शुरू कर दिया है। हमारी 22 विधानसभाओं के त्रिदेव कार्यशाला हो गई हैं। कुल 60,000 त्रिदेव एक तरह से नियुक्त होने हैं। 30,000 हमारे पोर्टल पर आ गए हैं। इस काम को हम पूरा करेंगे अक्टूबर में और उसके बाद अटल जी के जन्मदिन तक हम अपनी बूथ समितियां बनाएंगे और 6 अप्रैल तक पन्ना समिति के साथ विचारधारा के साथ एक ऐसा कैडर खड़ा करें। ये दूसरा लक्ष्य हमने अपनी आज की इस प्रांतीय परिषद में अपने कार्यकर्ता टोली के सामने रखा है, जिसको लेकर हम बढ़ेंगे।